नमस्ते, मैं हूं विलास भोंडे। आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये ज़रूरी है। कुछ अच्छे विचार जाएं, बस इसमें और क्या स्वार्थ हो सकता है। तो आज एक विषय है दीपावली। दीपावली बस शुरू ही होने वाली है, तो विचार आया कि दीपावली के बारे में कुछ अपने विचार सबके साथ साझा करूं। वैसे सबको मालूम तो है, फिर भी उसके ऊपर थोड़ी धूल जो जमी हुई होती है उन सभी को निकालने की कोशिश करना चाहता हूँ। और एकदम संक्षिप्त में, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। तो दीपावली, ये 2023 चल रहा है, नवंबर मास। दीपावली में मोटे तौर पे 5 या 6 दिन माने जाते हैं और वो हम मनाते हैं। कहीं कहीं सबसे पहला दिन गोवत्स धेनु का वसुबारस जिसको कहते हैं गुजरात में, मैंने गाय और उसका बछड़ा, उनकी पूजा, तो वो एक होता है। लेकिन बाकी सभी जगह पे धनत्रयोदशी से दिवाली मनाना शुरू करते हैं लोग। तो धनत्रयोदशी जो है, जिसको गुजरात में धनतेरस कहते हैं, उस दिन साधारणतः धन की पूजा होती है। जीवन में धन का महत्व है, लेकिन सब कुछ वही नहीं है। पूर्ण जीवन धन नहीं है, धन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हैं। लेकिन हाँ, अपने जीवन व्यापन के लिए धन कमाना जरूरी है, तो इसलिए उसकी पूजा करें, उसका अर्चन करें, और वो धन जो है वो अच्छी तरह से उसकी कमाई हो अपनी, ये बहुत जरूरी है, और उसका उपयोग अच्छी तरह से हो। ये दो चीज़ें यदि हम अच्छी तरह से कर सकते हैं तो वो धनत्रयोदशी सही तरह से हमने मनाई, ऐसा होगा। सिर्फ पूजा करना, फूल चढ़ाना, आरती करना, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा यह त्यौहार है, हमारी एक हमारा यह कर्म कांड है, तो उस हिसाब से हम पूजा करेंगे। लेकिन धन का अर्जन जो है वो अच्छी तरह से हो, और उसका जो उसकी क्या कहते हैं उसको, उसको किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ करनी पड़ेगी। ये एक बात। दूसरी बात, धनत्रयोदशी से दिन कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी का भी प्रादुर्भाव उस दिन हुआ था। समुद्र मंथन में सारी चीज़ें एक के बाद आती गई, तो उसमें धन्वंतरी का भी महत्व है, जो अमृत कलश लेकर के बाहर निकले थे। तो शरीर स्वास्थ्य वो भी एक महत्व की चीज़ है, तो धन के साथ शरीर स्वास्थ्य के बारे में भी बात करना और उसके लिए धन्वंतरी भगवान की पूजा करना, ये भी धनत्रयोदशी का महत्व है। दूसरा दिन आता है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन हम सब मालूम है सबको कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर इस नाम के दैत्य का वध किया था, और कहते हैं कि वहाँ पर 16,000 महिलाओं को वो नरकासुर ने, कन्याओं को नरकासुर ने कैद करके रखा था, तो उनके गौरव की पुनर्स्थापना का ये दिन है। तो नरकासुर का वध और महिलाओं की पुनर्स्थापना, उनके गौरव की पुनर्स्थापना, तो ये जो है ये नरक चतुर्दशी का महत्व है। तो उस दिन भी हम इस विचार को साथ में रख करके उसको मनाएं तो अच्छा रहेगा।
तीसरा दिन आता है दीपावली, दिवाली हम कहते हैं उसको, वो दीपोत्सव है। भगवान राम का जब अयोध्या में स्वागत हुआ, रावण पर उन्होंने विजय प्राप्त की और वो वापस आए, तो जब वो अयोध्या में आए तो उस दिन उनका स्वागत करने के लिए पूरी अयोध्या ने दीप जलाए थे, तो इसलिए वो दीपोत्सव है और भगवान राम के स्वागत की तैयारी सबने की थी और इसीलिए हम सब लोग दिए जलाते हैं और दीपोत्सव मनाते हैं। उस दिन भगवती महालक्ष्मी देवी का भी समुद्र मंथन से प्रकट होना हुआ था और इसीलिए वो लक्ष्मी पूजन का भी दिन है। तो दिवाली के दिन जैसे धनत्रयोदशी के दिन धन की पूजा होती है, माने पैसे की पूजा होती है, और लक्ष्मी पूजन जो है वो महालक्ष्मी का पूजन उस दिन करते हैं दीपावली के दिन। तो उस दिन सोने चांदी के गहने वगैरह जो होते हैं उसकी पूजा होती है, उसको हम लक्ष्मी के तौर पे मानते हैं। तो उसमें भी यही है कि सिर्फ गहने, उनकी पूजा करना, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके पीछे का अर्थ ये होना चाहिए कि हमने ये सारी चीज़ें कमाई हैं अच्छी तरह से, और वो जो सोना चांदी हमने कमाया है, हम सब लोग जानते हैं कि पहले के ज़माने में ऐसा कहते थे कि सोना जो आप घर पे रखते हो वो कभी भी खराब परिस्थिति जब आपकी आती है तो उस समय वो काम आती है, और इसलिए उसका संग्रह करके हम रखते थे। तो उसकी पूजा करो, उसमें बढ़ावा हो उसके लिए कोशिश करो, लेकिन फिर से वही वो अच्छी तरह से हो, ये एक बहुत अच्छी चीज, अरे ध्यान रखने की चीज़ है। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करना और उस दिन दीपोत्सव मनाना, ये दो चीज़ बहुत महत्व की होती है। उसके बाद आता है वो पड़वा या प्रतिपदा, कार्तिक महीने का पहला दिवस, दिवन बलि प्रतिपदा उसको कहते हैं, क्योंकि भगवान वामन, विष्णु ने जो 10 अवतार लिए उसमें से एक वामन अवतार था, एक छोटे ब्राह्मण के बटुक जिसको कहते हैं, उस छोटे ब्राह्मण के पुत्र का उन्होंने अवतार लिया और वो बलि राजा जो था राक्षसों का, उसके वहाँ दान लेने के लिए आए और सिर्फ तीन पैर मैं जहाँ रखूँगा उतनी ज़मीन मुझे चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। तो बलि को तो लगा ठीक है दे देते हैं, उसमें क्या, इनको तो 3 जमीन देने में क्या हर्ज है। उन्होंने तो कहा वैसे कि अरे बालक, मैं और बहुत सारा दे सकता हूँ, तुम इतना 3 पैर जितनी ज़मीन क्यों मांग रहे हो। तो भगवान के लीला तो आगाज है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बस इतना ही चाहिए, और कहते हैं कि उन्होंने एक पैर में पूरी पृथ्वी ले ली, एक पैर में पूरा स्वर्ग और आकाश ले लिया, और फिर पूछा कि तीसरा पैर मैं अब कहाँ रखूँ कि जो मुझे चाहिए। तब बलि वैसे दैत्य था लेकिन फिर भी सत्शील भी था, सद्गुण भी थे उनमें, तो उन्होंने कहा कि मेरे सर पे आप पैर रखो तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि उनको तो पता चल गया कि ये भगवान विष्णु ही है, और वैसे तो उनके पहले भी उन्होंने, उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने भी कहा था कि तुम, ये भगवान विष्णु है और तुम उनको दान मत दो नहीं तो वो आपके पास से सब कुछ छीन लेंगे। फिर भी वो दानी था इसलिए उन्होंने माना नहीं, और कहते हैं कि भगवान विष्णु ने तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा और उनको पाताल में गाड़ दिया। बलि खुद सद्गुणी भी था लेकिन पूरा राक्षसों का जो राज्य था उसकी वजह से जो हमारी सनातन संस्कृति जो थी उसमें बहुत आघात उसके ऊपर हो रहे थे, और यज्ञादि जो ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों का जो कर्म कांड था उसके ऊपर बहुत आघात हो रहे थे, उनको तकलीफ हो रही थी, इसलिए बलि को वहाँ से निकालना और उसका राज्य खत्म करना ये जरूरी हो गया था, और इसलिए भगवान विष्णु ने ये वामन अवतार लिया। तो उस दिन इसलिए बलि प्रतिपदा भी उसको कहते हैं। उस दिन सम्राट विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत का भी चलन शुरू हुआ, गुजरात में विशेष करके विक्रम संवत वहाँ से शुरू होता है, हमारे यहाँ शालिवाहन शक जो होता है वो चैत्र में होता है, और विक्रम संवत जो होता है वो कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा के दिन से शुरू होता है, तो उस दिन का ये भी महत्व है। तो ये तीन
जो है बलि प्रतिपदा, भगवान वामन का अवतार, और राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति, और सम्राट चंद्र विक्रमादित्य का शत्रु विजय, और उस उपलक्ष्य में ये विक्रम संवत का निर्माण या तो चलन, तो इसकी ये महत्ता है। उसके बाद वाला दिन जो आता है, पांचवा दिन, जिसको हम भाई बीज या भैया दूज कहते हैं, वो द्वितीया, प्रतिपदा के बाद द्वितीया आती है, तो वो द्वितीया आती है, वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ, ज़्यादा एक चीज़ रखना चाहता हूँ, कि सिर्फ भाई बहन नहीं, लेकिन पूरे समाज में प्रेम भाव बढ़े, इस प्रकार का ये उत्सव होना चाहिए। भैया दूज की जो यम और यमी की कथा है, या तो इतिहास में जो भाई भाई बहन की जो कथाएं आती है, वो सारी चीज़ तो है, लेकिन उसके साथ साथ अभी हमारे समाज में जो आवश्यक है वो है सबको साथ में रखना। हिंदू जो है वो सहोदर है, माने हम सब भाई भाई है, ये भाव पूरे समाज में जागृत हो, ये बहुत आवश्यक है। तो भैया दूज का महत्व इस दृष्टि से भी हमने अब समाज में शुरू करना चाहिए कि संपूर्ण समाज में हिंदुओं में प्रेम का ये महत्व, प्रेम का प्रतीक के तौर पे ये भैया दूज का उत्सव हम मनाएं। तो इस प्रकार के 5 दिन की साधारणता दिवाली या तो दीपावली का उत्सव हम मनाते हैं। उसमें मुझे सिर्फ आज यही एक ज़्यादा कहना है कि आप लोग जानते ही हो कि टीवी पर जो विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आती है, वो हिंदू समाज को आघात पहुंचाने के वाली होती है। आपने देखा होगा, हम मिठाई खाते हैं सब लोग, तब तो ये इस प्रकार के विज्ञापन आते हैं कि आप मिठाई छोड़ दो और चॉकलेट खाओ, कैडबरी खाओ, कुछ मीठा हो जाए। तो कुछ मीठे में सिर्फ चॉकलेट ही होता है क्या? इतनी सारी हमारे यहाँ तो मिठाई होती है तरह तरह की, कि जिसके आगे बाकी सारे विश्व की मिठाइयाँ कम पड़े कम हो जाएगी। तो इतनी सारी मिठाइयाँ हमारे पास होती है, उनको छोड़ करके हम चॉकलेट के पीछे दौड़े, ये तो हम हमारी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी बात भी हम देखी है इस विज्ञापनों में, कि विज्ञापनों में तो सब लोग, मैंने सब महिलाएं जो होती है, स्त्रियां होती है, वो साड़ियाँ वगैरह पहनती है, बहुत सारे गहने पहनती है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं की बिंदी नहीं होती। अब ये हिंदू त्यौहार है, तो हिंदुओं में तो बिंदी तो आवश्यक है, सभी महिलाएं बिंदी लगाती है, आप सबको मालूम है, लेकिन ये विज्ञापन इस प्रकार से दे रहे हैं जिससे कि हमारे हिंदू धर्म के ऊपर आघात हो। तो इससे हमें बाहर निकलना है। इन प्रकार की जो विज्ञापन जो आते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो आती हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देना है, हो सके तो उनका विरोध करना है, और हमारी जो सनातन संस्कृति है उस संस्कृति के हिसाब से हम जिस प्रकार से हमारे त्यौहार मनाते आए हैं, उसके पीछे का जो रहस्य है, उसके पीछे का जो भाव है, वो भाव ध्यान में रखते हुए हमारे सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के हिसाब से ये सारे उत्सव हमने मनाने हैं। तो ये दिवाली के 5 दिन इस प्रकार से हम मनाएं। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आपको विनती है कि इस प्रकार के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने में मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।